नवी मुंबई के हनुमान नगर में आज दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। कुरैसी मस्जिद में आयोजित इस इफ्तार पार्टी में स्थानीय शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी समेत कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में मुस्लिम बांधव मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। ईद उल फित्र यानी रमजान ईद के मौके पर आज नवी मुंबई के हनुमान नगर में दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। यहां के कुरैसी मस्जिद में आयोजित इस इफ्तार पार्टी में स्थानीय शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी, दिलीप जगताप, गुलाब भिड़े, केशवलाल मौर्य और अरमान कुरैसी समेत तमाम स्थानीय पदाधिकारी और मुस्लिम बांधव मौजूद थे। यहां शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी और दिलीप जगताप ने सबको बधाई देते हुए रमजान ईद को कौमी एकता और भाईचारा का त्योहार बताया और मिलजुल कर हनुमान नगर को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। आज मुस्लिम समाज टोटल आज आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांच्या माध्यमातून, आज आदरणीय पालकमंत्री साहेब आहेत, खासदार साहेब आहेत, आज हे सगळं समाज एकत्र येऊन जोडलेले आहेत। आज खासदार साहेबांबरोबर जोडलेले आहेत, एकनाथ शिंदे साहेबांबरोबर जोडलेले आहेत, मुख्यमंत्री साहेबांबरोबर जोडलेले आहेत। आज आम्हालाही त्या ठिकाणी पक्षाचे पदाधिकारी म्हणून तेही आम्हाला एकत्र घेऊन चालतात। मी खरोखरच या सगळ्या समाजाचा मी मनापासून कौतुक करतो। 2-3 दिवसानंतर ईद आहे, त्या ठिकाणी मी अरमानला एवढं सांगन की चांगला काम करू दे आणि त्याला जे पाहिजे ती मदत माझ्याकडून ती भेटल। या भागामध्ये जे काही आपले मुस्लिम बांधव आहेत त्यांनी सगळ्यांनी एकत्र येऊन इफ्तार पार्टीचं आयोजन केलेलं आहे। आज त्यांचा हा समूह बघून आणि त्यांचा हा एकत्रितपणा बघून खरंच समाजामध्ये जी एकी आहे त्याचं हे काही दर्शन घडवलेलं आहे। तरी 2 दिवसांनी येणाऱ्या ईदसाठी मी सर्व मुस्लिम बांधव आणि भगिनी यांना मी सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि या समाजानं आजपर्यंत आपला भारत एकत्र ठेवण्याची जी किमया केलेली आहे की त्या भारताच्या स्वातंत्र्यापासून ते आत्तापर्यंत यांचं जे बलिदान आहे त्याचबरोबर एकत्र ठेवण्याची यांची भावना जी आहे ती सातत्यानं अशीच पुढे राहू दे आणि भारताला यांच्यापासून जी ताकद मिळत आहे ती सुद्धा आपल्याला मिळत राहू दे। 27 रोजा तो हो गया है, बचे 3 दिन, अभी बोले कुछ ना कुछ करते तो एक रमजान के माहौल में खुशी के हिसाब से एक प्रोग्राम कुलकर्णी सेठ हमने सोचे करते, सेठ ने बोले करते तो वो हिसाब से हमने प्रोग्राम किया है। हर समाज को धर्म को लेकर चलने वाले कुलकर्णी सेठ है। कोई भी इंसान जाओ, कोई भी लोग जाओ, सबका मान सम्मान करते हैं और हर चीज़ के लिए लोगों को पुरावा करते हैं। इफ्तार पार्टी की तरफ से और सब रोजदारों की तरफ से आने वाला इलेक्शन और जो भी रहेगा हमारी दुआएं सेठ के साथ में रहेगा और ये इनका विन हनुमान नगर से इंशाल्लाह कन्फर्म करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।